नमस्कार, बहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश पड़ियाल और इस समय हम उधमपुर में मौजूद हैं और कुछ ही दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। इसी के साथ जो लंगर लगाते लोग हैं वो उधमपुर पहुंच रहे हैं, अपने अपने जगहें देख रहे हैं कहाँ लंगर लगाना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है ऑर्डर अभी जारी नहीं किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल सुल्तान जी, जो कि श्री महाकाल सेवा मंडल जो अमृतसर से ताल्लुक़ रखते हैं, और छोटू मगोत्रा जी हैं श्री राम सेवा समिति के। आज उनको श्री राजपाल जी की तरफ से सम्मानित भी किया गया और बाहु एक्सप्रेस की पूरी टीम जो है आज यहाँ उधमपुर में मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस न्यूज़ में, और अपना इंट्रोडक्शन दे दें और ये बताएं कि किस तरह की तैयारियाँ। मेरा नाम राजपाल सुल्तान और मैं प्रेजिडेंट जय श्री महाकाल सेवा मंडल अमृतसर से, और हमारा 11 साल तो लगातार भंडारा उधमपुर में लग रहा है और 12वें साल हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पे कोरोना 90 की जो लहर चल रही है उसके मद्देनज़र अब प्रशासन ने कोई हमें ऑर्डर इशू तो नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा हिंट भी दिया है कि यात्रा की तैयारी चल रही है। उसके सिलसिले में आज हमने एक जगह पीर बाबा की जगह जखैनी चौक में सिलेक्ट की है, और हमारे साथ छोटू मगोत्रा जी जो श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, ये हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। हमारे आज साथ गए थे और आज हम DC साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट का जो भी फरमान होगा हम उसी हिसाब से आपको निर्देश देंगे। सर, आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया है कि खासकर जो श्रीराम सेवा समिति के प्रधान है छोटू मगोत्रा जी, उनको भी सम्मानित किया है, कुछ और जिला के अधिकारियों को सम्मानित किया है। किस तरह का मन में आता है कि इन अधिकारियों को सम्मानित करें और भोले बाबा का जो पैगाम जो है इन लोगों तक पहुँचाएं? देखिए, जो ये जो सिलसिला है, मैं एक रेनॉल्ड इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ और कुछ पेंटिंग्स मैं स्पेशल लेके आता हूँ। जो यहाँ के ऑफिसर हैं जो देखते हैं कि हमारे भंडारे का बहुत साथ देते हैं, पर्सनली वो बहुत हमारे से साथ देते हैं, और जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं जैसे छोटू मगोत्रा जी जैसे मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, ये बहुत अच्छे हैं, साथ देते हैं और दिल से इनको सम्मानित करते हैं कि ये जो हमारा साथ देते हैं हम भी कुछ ना कुछ इनके लिए किए। जी बिल्कुल, बाहु एक्सप्रेस की टीम जो है वो आपका धन्यवाद करती है। आज बाहु एक्सप्रेस की टीम को भी आपने सम्मानित किया, खासकर जो उधमपुर के ब्यूरो इंचार्ज हैं छोटू मगोत्रा जी, उनको भी सम्मानित किया है। हम भी कामनाएं करते हैं कि आप लोगों की जो है भोले बाबा के भक्तों की सेवा जो है वो दिल से करें, और हमारा भी जितना भी सहयोग होगा बाहु एक्सप्रेस की टीम का वो शाना बशाना आपके साथ चलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ छोटू मगोत्रा जी, जो कि श्री राम सेवा समिति के प्रधान भी हैं, उनसे बात करेंगे। इनको आज सम्मानित भी किया गया है। सर, स्वागत है आपका बाहु एक्सप्रेस में, और ये बताएं कि कितनी खुशी महसूस होती है, खासकर बाहु एक्सप्रेस की टीम को जब सम्मानित करते हैं तो कितना गर्व महसूस होता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुल्तान जी का, जो अमृतसर से उठ के उधमपुर में आए। उधमपुर में जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने ऊपर जगह देखी पीर बाबे के पास अमरनाथ जो लंगर लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने आए पूरा दिन इसी के विषय में हम चर्चा करते रहे। बहुत जल्दी जो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है, हमारी और हमारी टीम बाहु एक्सप्रेस की और राम सेवा समिति की पूरी टीम इनका पूरा तन मन धन से इनका सहयोग करेगी, क्योंकि ये लंगर है, अमरनाथ बाबा जी का लंगर है। तो हमारा जो फर्ज है कि हम इनका पूरा सहयोग करें, जो भी यात्रु आएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी उधमपुर में ना आए, इसी व्यवस्था में हमने इनका हाथ पकड़ा है और हम इनका पूरा साथ देंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि लगातार जो समिति के लोग हैं वो भी लंगर वालों के साथ शाना बजाना खड़े हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार यात्रा जो है शांतिपूर्वक तरीके से जाए और जल्द ही ये यात्रा जो है वो शुरू होगी। जैसे ही जिला प्रशासन या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अधिकारियों का ऑर्डर आएगा तो ये ऑर्डर भी फॉलो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पड़ियाल, बाहु एक्सप्रेस न्यूज़ उधमपुर। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।